नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ए बी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड की। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत गरमाती नजर आ रही है और एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से वीआईपी नामों को छुपाने का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर बीजेपी ने भी अब पलटवार किया है। कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए इस मामले को लेकर सीबीआई को जांच सौंपनी चाहिए। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि राज्य सरकार के दबाव में पुलिस अंकिता हत्याकांड की जांच में एक बार फिर से आगे कदम बढ़ा रही है और अब इस मामले पर सियासत चरम पर है। एक तरफ विपक्ष सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम का उजागर करने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में बीजेपी के कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस हवा में लाठी ना चलाए। अगर कांग्रेस को वीआईपी का नाम मालूम है तो वह सरकार और एसआईटी को नाम बताए। सरकार इस मामले में निष्पक्ष जाँच कर रही है और अब आरोपियों का नार्को टेस्ट की प्रक्रिया भी तेज की जा रही है। भाजपा इसको किस तरीके से देखती है, आखिर वाकई में वीआईपी अगर है तो उसे बाहर क्यों नहीं लाया जा रहा है? देखिए, अगर कांग्रेस के पास या विपक्ष के नेताओं के पास कोई ऐसा वीआईपी है या कोई ऐसा वीआईपी का नाम है या किसी वीआईपी के प्रति कोई संदेह है तो वो बता सकते हैं, एसआईटी को बताएं, चीफ सेक्रेटरी को बताएं, डीजीपी को बताएं। सिर्फ हवा में लठ मारने से नहीं काम चलने वाला है। अगर आपके पास कोई पुख्ता जानकारी है, कोई वीआईपी अगर है तो उसके बारे में सूचना दें। एसआईटी अपना काम कर रहा है, उनकी जांच में जो कोई भी आएगा उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक जो भी नाम आए हैं, जो भी जांच में आए हैं, जिनके खिलाफ अपराध बनता था उन सबको जेल में डाल दिया गया है, कोई भी बाहर नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस प्रशासन ने और एसआईटी ने कोई काम नहीं किया है। पूरी मुस्तैदी के साथ काम हो रहा है और कहीं किसी पे कोई जानकारी है तो वो बताने का काम करें, तुरंत एसआईटी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ठीक। तो हरिद्वार में बीजेपी की तरफ से हुए सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने बयान दिया है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो लोग लालची और स्वार्थी थे उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। हरिद्वार जिले में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इस पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दोसानी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को बुलंद कर रही थी और जब उनके खुद का जानाधार कम दिखाई दिया तो वह कांग्रेस के ही लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवाने लगी। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोग जो स्वार्थी हैं, लालची हैं, वही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के बयान पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है। कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वह भाई बहन और माँ के ऊपर है, तो वहीं उत्तराखंड का जो नेतृत्व है वह साला साली और भतीजी की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी को खुद चिंतन करना चाहिए और उनके लोग कांग्रेस छोड़कर क्यों इतने बड़े व्यापक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, वह एक विचारधारा है। यह विचारधारा लोगों को प्रभावित करती है जिससे लेकर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस के पास कुछ बोलने के नहीं रह गया है, इसलिए वो इस प्रकार के छोटे छोटी बातों पे अनर्गल बयानबाजी करना उनका काम रह गया है। जिस प्रकार से राजभवन हरिद्वार से भी काफी लोग शामिल हुए, उनका विश्वास उठ रहा है कांग्रेस पे क्या? नहीं, विश्वास नहीं उठ रहा है। अवसरवादिता मुझे लगता है अपने चरम पर है। ऐसे लालची लोगों की कांग्रेस में ज़रूरत भी नहीं थी। कई किस्म के कांग्रेसी होते हैं या कई किस्म के नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने दमखम पे राजनीति करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सहारा चाहिए होता है वैतरणी पार करने के लिए। शायद इन लोगों को अब अपने से भरोसा उठ गया है और इन्हें भाजपा का कमल का फूल का साथ चाहिए, इन्हें मोदी जी का चेहरा चाहिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए, इनका
अपना सौदा क्योंकि शून्य हो गया है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा आप होते जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेसी मानसिकता के लोग आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने कार्यकर्ता का अपमान कर रहे हैं, उसकी अनदेखी कर रहे हैं। या तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं से विश्वास उड़ गया है या फिर टूटा पड़ गया है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद सीएम आवास और राज्य भवन की सुरक्षा मजबूत कर दी गई है। इसको लेकर आसपास के इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। बता दें कि राजभवन के सामने शनिवार को हुए प्रदर्शन के बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। राजभवन और सीएम आवास पर आने वाले रास्तों पर दोनों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं, जहां पर पूरे आसपास एरिया में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। बता दें कि शनिवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में राजभवन के सामने प्रदर्शन किया गया था, जहां अति संवेदनशील इलाके में भीड़ से पुलिस की नोकझोंक भी हुई थी, जिसके बाद एसएसपी ने डीजीपी के निर्देश पर यहां की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। और अब बैरिकेड लगाकर सादे कपड़ों में पुलिस तैनात को भी कर दिया गया है, जहां बिना चेकिंग के कोई भी व्यक्ति नहीं निकल सकता और ना ही 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर खड़े हो सकते हैं, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि आम जनता के मुद्दे को लेकर अगर प्रदर्शन करना गलत नहीं है तो वह बार बार प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसको राज्यपाल और मुख्यमंत्री केंद्र में से जुड़ा हुआ मामला बताते हुए कहा कि प्रशासन अपने स्तर पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो वहीं देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह ने कहा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आवास पर कई सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। जहां एसएसपी ने बताया कि शनिवार को कुछ राजनीतिक दलों ने वहां पर जबरन घुसने की कोशिश की थी, जो कि सुरक्षा मानकों पर प्रश्न खड़े करते हैं, जिनको लेकर यह फैसला लिया गया है। नीति का एक प्रतीक है, विपक्षी दलों को संविधान ने इजाज़त दी है, अनुमति दी है कि वो अपने जो ग्रीवांसेस हैं, अपने जो तकलीफ़ें हैं, उसको जनता की जो परेशानियां हैं उसको धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से, कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार के सामने रखते हैं। लेकिन यहां तो आपने देखा किस तरह से उन कार्यकर्ताओं की, नेताओं की मार पिटाई हुई जो राजभवन में शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करने जा रहे थे, राजभवन में गुहार लगाने जा रहे थे, अंकिता के लिए न्याय मांगने जा रहे थे, क्योंकि अंकिता के केस में कुछ भी जांच आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ रही थी। चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है, डोजर चलाया गया है। ऐसे में विपक्ष करे तो करे क्या, जनता करे तो करे क्या। तो कहीं ना कहीं जो आप इतनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब दाल में ज़रूर कुछ काला है। अगर आप पाक साफ होते तो फिर आपको इतने 7 तालों में बंद रहने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या कुछ कहेंगे इसमें? कांग्रेस के पास कुछ बोलने के नहीं रह गया है, इसलिए वो इस प्रकार के छोटे छोटी बातों पे अनर्गल बयानबाजी करना उनका काम रह गया है। जिस प्रकार से राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की जो बात सुरक्षा की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो वीआईपी प्रोटोकॉल होता है और सार्वजनिक स्थान, चाहे विधानसभा हो, चाहे राजभवन हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे अन्य कई प्रशासनिक स्थान सार्वजनिक स्थान हैं, जहाँ पर प्रशासन अपने मुताबिक या जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक उसकी सुरक्षा की का ध्यान रखा जाता है, इसी के तहत इसका भी जिले प्रशासन के द्वारा कुछ इसकी उसी के तहत किया गया होगा। ऐसा है कि महामहिम गवर्नर महोदय का जो आवास है और सीएम साहब का आवास है, वो बेसिकली प्रोटेक्टेड एरिया हैं, और जैसे भी सामान्य लोगों का जो है, जिनका अपॉइंटमेंट होता है, उनका आना गवन आना जाना होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी वहाँ कभी कभी जो है गलत, जिनका कोई मतलब नहीं है, वो लोग घूमते रहते हैं। और आजकल देखा गया कि कुछ लोग आकर के वहाँ अलग अलग विषय में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत जो है उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 2 बैरियर हमने अतिरिक्त बढ़ा दिए हैं, गवर्नर साहब को जो गेट है उसके सामने से नीचे की तरफ, और एक आगे जो है जो बीजापुर के साहब से जो रोड कट के आती है इधर सीएम और रेजिडेंस की तरफ, वहाँ पर हमने बैरियर लगा दिए हैं।
वहाँ पर राउंड द क्लॉक लोग हमारे सादे वस्त्रों में और वस्त्र वर्दी में सब लोग अलर्ट रहेंगे, तैनात रहेंगे और प्रयास यही है कि अनावश्यक अनवांटेड एलिमेंट वहाँ न घुसे। तो देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर मेयर सुनील उलियान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्य पिछले 2 साल से लगातार चल रहे हैं। इस कड़ी में देहरादून के मेयर सुनील उलियान गामा ने बताया कि स्मार्ट सिटी का कार्य लगातार प्रगति पर है और स्मार्ट सिटी की मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। इसका संज्ञान खुद मुख्यमंत्री ने भी लिया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को जून 2023 तक पूरा किया जाना है, हमारा प्रयास है और लगातार हम इस कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है और स्मार्ट सिटी के काम जून 2023 तक पूरे कर लिए जाएंगे। इससे ना सिर्फ नगर निगम बल्कि समस्त देहरादून वासियों का स्मार्ट सिटी का सपना जल्द ही पूरा होगा। स्मार्ट सिटी की मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है। स्मार्ट सिटी के काम जो है जून तक पूरे होने और हमारा प्रयास है, हम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम लगातार उसका निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार हमारी उसकी नज़र है, उस पर नज़र है, तो स्मार्ट सिटी के काम पूरे होंगे समय। तो विधानसभा सत्र को लेकर अल्मोड़ा विधायक ने बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा सत्र के सदन में नियम अनुसार ना चलने पर असफल साबित हो रही है, जिसको लेकर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के सदन में नियम अनुसार ना चलने को लेकर ये सत्र असफल साबित होता दिख रहा है। उन्होंने बताया कि साल भर में विधानसभा सत्र को 60 दिनों के लिए से अधिक चलना चाहिए था, लेकिन महज 15 दिनों से अधिक ही सदन नहीं चल पाया है। सत्र के दौरान विधायक जन मुद्दों को सदन में रखते हैं और वह वहां पर इन सदन पर वह अपने मुद्दे नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन नियम के विरुद्ध चल रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि इस बार बजट पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है, मुख्यमंत्री के जो विभाग हैं उन पर भी कोई बात नहीं सुनी गई है। आप कह रहे हैं कि देखिए ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जो हमारा उत्तराखंड का सदन है, विधानसभा सत्र आहूत होता है, जो भी हमारे माननीय सदस्य होते हैं वो अपनी बातों को, अपनी क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ पर, चाहे तात्कालिक विषय हों, गंभीर विषय हों, संवेदनशील विषय हों, उनको रखने का काम करते हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जो सदन एक साल में 60 दिन कम से कम चलना चाहिए था, ये सरकार ने मात्र इतिश्री करने का काम किया है और मुश्किल से पूरे वर्ष में 15 से 20 दिन ये सदन चलता है और उसमें भी नियमों से हटके सरकार ने काम करने का काम किया है। जो हमारा बजट प्रस्तुत होता है सामान्य 3 दिन चर्चा होनी चाहिए, वो 3 दिन नहीं हो रही है। जो विभागवार 3 दिन चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और उसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग हैं और वो सोमवार को सत्र आहूत हो तो सोमवार के दिन वो प्रश्नों का जवाब माननीय मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन आज तक वो सोमवार का दिन कभी नहीं आया है। कहीं ना कहीं इससे लगता है कि प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रश्नों का जवाब देने से बच रहे हैं, अपने विभागों का उत्तर देने से अपने माननीय सदस्यों का बचने का काम कर रहे हैं। ब्रिटेन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कुलपति की नियुक्ति और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है, जहां आक्रोशित छात्रों ने प्रशासन का घेराव और विश्वविद्यालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों की पुलिस से जमकर धक्का मुक्की हुई। इस दौरान छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय और प्रदेश सरकार की तरफ से छात्र संघ चुनाव को लेकर उन्हें बरगलाने का काम किया जा रहा है। छात्रों ने जल्द ही कुलपति की नियुक्ति नहीं होने और छात्र संघ चुनाव की तारीख स्पष्ट नहीं होने पर विश्वविद्यालय के साथ स्कूल बंद करने और सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है।
तो उत्तराखंड में 1000 गांव को सोलर ऊर्जा से रोशन करने को लेकर धामी सरकार ने अहम कदम उठाया है। इसको लेकर उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव पास कराने के लिए विभाग को तुरंत ड्राफ्ट बना देने के लिए निर्देशित किया है। उत्तराखंड के 1000 गांव को सोलर ऊर्जा से रोशन किए जाने के लक्ष्य पर काम करना शुरू हो गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में प्रस्ताव कैबिनेट में पास करने के लिए विभाग को तुरंत ड्राफ्ट बना देने को कहा है। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा उत्पादन की असीम संभावना है। सरकार ने 1000 गांवों में बंजर पड़ी पूर्वमुखी जमीनों को चिन्हित कर लिया है, जहां सरकार चाहती है कि इन गांवों में सौर ऊर्जा से विद्युत सप्लाई की जाए, तो वहीं धामी सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ साथ सस्ती बिजली भी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट पर उन स्थानीय लोगों को भी निवेश करने का मौका मिलेगा जो पहाड़ छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में बस गए हैं और उनकी बंजर भूमि में से भी आय आने लगेगी। रोड सोलर का कुछ है क्या? कुछ देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए हर क्षेत्र में प्रयासरत हैं और हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश बने और हमारे यहाँ के वासिंदों को सस्ती दर पर बिजली मिले और हमको अन्य राज्यों पर बिजली के लिए निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने एक ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा देश में नंबर वन हमारा राज्य बने, इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत हमारे उत्तराखंड में 1000 गांव को ऊर्जा सौर ऊर्जा गांव बनाने का प्लान चल रहा है और जो जल्द ही इसको कैबिनेट में लाने का निर्णय लिया गया है और मुझे लगता है सौर ऊर्जा अगर ये 1000 गांव बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर ऊर्जा प्रदेश बनेगा और साथ ही जो हमारे बेरोजगार हैं प्रदेश में उनको एक रोजगार की दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे और इससे हमको। तो ब्रिटेन में बात अब रामनगर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बीते दिन हत्या का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रामपुर में एक युवक की निर्मम हत्या करने के बाद अब पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस की टीम को SSP पंकज भट्ट ने 5,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। ये मामला कोतवाली रामनगर का है। डायल 112 पे कोतवाली को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव खताड़ी के इलाके में पड़ा है। इस सूचना पे पुलिस गई मौके पे, घटना स्थल का निरीक्षण मुआयना किया, तमाम सारी चीजें की तहकीकात की। इस व्यक्ति की जो पहचान हुई भास्कर पांडे के रूप में हुई है। उनके भाई की तहरीर के आधार पे हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके बाद पुलिस ने इसमें तफ्तीश आगे शुरू की। अभी मामले का अनावरण करते हुए इसमें शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको माननीय न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। घटना का कारण कुछ खास नहीं था, ये सभी लोग दोस्त थे और कल दोपहर बाद से शराब पी रहे थे। रात के समय इनमें झगड़ा हुआ, इसी झगड़े के दौरान इन चारों ने मिलकर भास्कर की हत्या कर दी। इसमें एक व्यक्ति कौशल चिलवाल, उसका आपराधिक इतिहास है, लगभग 12 मुकदमे इसमें पंजीकृत है। घटना का त्वरित अनावरण करने के लिए SSP नैनीताल के द्वारा। तो ब्रिटेन में बात अब काशीपुर की कर रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान लाखों की चरस के साथ एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। काशीपुर में SP अभय सिंह और CO वंदना वर्मा की तरफ से ड्रग के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए थे। इस कड़ी में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चरस और ऑल्टो कार समेत एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल चेकिंग के दौरान नौगाजा पुलिया के पास पुलिस ने एक बिना नंबर की ऑल्टो कार से एक सफेद पन्नी के अंदर रखी 430 ग्राम अवैध चरस और चरस बेचकर कमाए हुए 5,500 रुपये के 7 चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। जहां पूछताछ के दौरान चरस तस्कर नूर मोहम्मद ने बताया कि वह चरस हल्द्वानी निवासी इद्रिस नाम के व्यक्ति से लाया था, जिसे वह काशीपुर में नशेड़ियों को छोटी छोटी पुड़िया बनाकर ऊंचे रेट पर बेचता था।
ये कटोरा ताल में जो हमारा पीएम हाउस है उसी के बगल में नूर मोहम्मद उर्फ नूरा है, इनकी लगातार कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि ये बड़े पैमाने पे नशा बेच रहा है। और इस व्यक्ति की पूर्व में भी जब हमने सत्यापन किया तो इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, तो हमारी टीम लगातार इसके पीछे लगी है और इसी क्रम में हमें सफलता मिली। इसके पास से 430 ग्राम चरस बरामद हुआ है, यद्यपि यह कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है लेकिन 430 ग्राम बरामद हुआ है, ये अल्टो से लेकर के और ये कहीं देने के लिए जा रहा था। किस तरह से काम करता था, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उस चीज़ की हम बैक ट्रेसिंग भी कर रहे हैं कि ये कहाँ से माल को ले आता है। और जैसा कि सूचना मिल रही है कि यह स्वयं इस व्यवसाय में संलिप्त था, तो क्या इसने दूसरे लोगों को भी इस व्यवसाय से जोड़ रखा था बेचने के लिए, इस चीज़ की भी हमारे द्वारा डिटेलिंग की जा रही है। अभी इस नूर मोहम्मद उर्फ नूरा जिसकी लगातार शिकायत मिल रही है, तो हमारी टीम को इसको पकड़ने में। तो बुलेटिन के आखिरी में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहाँ तापमान में गिरावट के बाद प्रशासन की तरफ से कई व्यवस्था की जा रही हैं। बता दें कि देहरादून में लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। इस कड़ी में नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि बेसहारा लोगों के लिए ठंड से बचाव और अलाव और रेनबसेरे की व्यवस्था कर नगर निगम को बेहतर ढंग से किया जा रहा है, जहाँ कर्मचारियों की तैनाती पर नगर निगम में रेनबसेरे पर भी लगा दी गई हैं और जलाने के लिए जो लकड़ी अलाव के लिए काम में आती है उसको भी नगर निगम से मंगा लिया गया है। सर्दी में जैसे ही लोग ज़्यादा सर्दी का इजाफा होगा वैसे ही नगर निगम की तरफ से जगह जगह अलाव की व्यवस्था पूरी रूप से कर दी जाएगी। रैन बसेरा हमारे सारे तैयार हैं, उसमें कर्मचारियों की तैनाती भी है, अलाव के लिए भी हम लोगों ने ऑलरेडी व्यवस्था के लिए लकड़ी का ऑर्डर, जो जलाऊ लकड़ी होती है उसका ऑर्डर के लिए तैयारी कर ली है। और जैसे ही अलाव की स्थिति बनेगी हम लोग जगह जगह पे जो नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीसी स्टार न्यूज़।